सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर आपके दिल में सुकून है, हृदय में शांति है तो आपके आसपास की कोई भी घटना आपको परेशान नहीं कर सकती। कामयाब होने के लिए अभी आपके पास जो है उसी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि यह इंतजार करने से ज्यादा अच्छा है। हमें अपने जीवन के बड़े रहस्यों को कभी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, यह हमारी जिंदगी में बड़ी तबाही लेकर आ सकता है। आज का पंचांग 23 जनवरी 2021 दिन शनिवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात्रि 8:56 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र रात्रि 9:33 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:56 से 11:17 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 23 जनवरी 2021 दिन शनिवार, यह सही समय है जबकि आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर अपनी स्थिति को ध्यान से समझना है और अपनी विभिन्न कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बहुत भाग दौड़ करते रहें। अब आप अपनी क्षमता भर इन्हें पूरा कर चुके हैं, अब आराम से बैठकर अपने प्रयासों और मेहनत का आनंद उठाने का समय है। आप अपने आत्मविश्वास से नकारात्मक परिस्थितियों पर काबू पाने में सक्षम रहेंगे। समाज में आपका मान सम्मान और वर्चस्व बना रहेगा। किसी सरकारी रिटायर व्यक्ति से आपको सहयोग व उचित सलाह भी प्राप्त होगी। आपको मिल रहे मौकों का पूरा फायदा आज आप उठा पाएंगे। आपको अपनी क्षमता का अंदाजा आने की वजह से आपका आत्मविश्वास तो बना रहेगा लेकिन ईगो भी बढ़ सकता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। दिन की शुरुआत से ही मानसिक संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मेटल से संबंधित व्यापार में अपनी क्षमता से अधिक काम ना लें। पार्टनर द्वारा बोली गई बातों की वजह से वाद विवाद हो सकती है, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें। सावधानियां, कभी कभी आपकी विचलित मन स्थिति आपको निर्णय लेने में कुछ परेशान कर सकती है, हालांकि आप इस पर काबू भी पा लेंगी। आज किसी भी प्रकार की धन संबंधित उधारी या लेन देन ना करें। विद्यार्थी लापरवाही की वजह से हाथ में आई कोई उपलब्धि खो सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी की आपसे संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। घर का माहौल भी अनुशासित तथा मर्यादित बना रहेगा। आपका पार्टनर आज कोई एडजस्टमेंट या सेटलमेंट करने के मूड में नहीं है, इसलिए आपको अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना होगा। बेहतर होगा कि आप कोई विवाद उपजाने वाले मुद्दे ना उठाएं। आज छोटी मोटी कहा सुनी भी बड़े विवादों का रूप ले सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे भी अधिक उग्र स्वभाव में है। अगर आप बड़े उलटफेर से बचना चाहते हैं तो आपको रोमांटिक मामलों में भी ध्यान रखना होगा। बात करते हैं करियर की। आज आपको अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए नहीं कि वो खर्चे दूर नहीं किए जा सकते, बल्कि इसीलिए कि आप खुद उन खर्चों को करना चाहते थे। यह ठीक है कि आप अपने मुश्किल समय के लिए पैसे बचाते हैं, जो कि बुद्धिमत्ता वाला काम है, लेकिन आज आप अपने या अपने किसी खास व्यक्ति जो आपके बहुत निकट हैं, उनके लिए किसी छोटी सी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। कभी कभी आपकी विचलित मन स्थिति आपको निर्णय लेने में कुछ परेशान कर सकती है, हालांकि आप इस पर काबू भी पा लेंगे। आज किसी भी प्रकार की
धन संबंधित उधारी या लेन देन ना करें। विद्यार्थी लापरवाही की वजह से हाथ में आई कोई उपलब्धि खो सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर अपने खान पान को संयमित रखें। थोड़ी सी लापरवाही आपको पूर्ण स्वस्थ रखेगी। अब समय आ गया है कि आपको अपने शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है और आप में बेशक किसी भी शारीरिक समस्या से पार पाने की मानसिक शक्ति मजबूत है। अपने मानसिक शक्ति में विश्वास रखें, आपको चकित कर देने वाले नतीजे मिलेंगे। आज का उपाय। आज आप शनि भगवान जी के समक्ष चमेली के तेल से दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।